दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं दुनिया के सबसे छोटे देश लेकिन सबसे खूबसूरत देश की सैर पर। ये देश छोटा है लेकिन बहुत अमीर है। यहाँ के लोगों की पर कैपिटल इनकम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ की खूबसूरती देखकर आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री है, टूरिस्ट के लिए भी और सिटीजन्स के लिए भी। और क्या क्या फ्री है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर आप सबसे पुरानी वाइन को भी टेस्ट कर सकेंगे, दुनिया के सबसे पुराने गांव को भी एक्सप्लोर कर सकेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो दुनिया में कभी कहीं नहीं देखी होंगी। इस देश का इतिहास, इस देश की संस्कृति और इस देश की परंपराएं सब कुछ बहुत खास है। एक चीज है जो आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, वो है बीचेस। तो चलिए दोस्तों आपको लेकर चलते हैं बेहद ही खास देश की सैर पर जिसका नाम है लक्जमबर्ग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। यूरोपीय संघ की चार ऑफिशियल कैपिटल्स में से ये एक है। दोस्तों हालांकि ये लक्जमबर्ग एक छोटा देश है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आने वाले लोगों के लिए इस देश के पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये देश यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए बहुत कुछ देता है। यूरोप का दौरा करते समय आपको अपनी सूची में इसे जरूर शामिल करना होगा। इसका रहस्य लक्जमबर्ग के बारे में आपको बहुत कुछ बताने का है। जो भी टूरिस्ट इसकी यात्रा पर आते हैं वो यहाँ से बहुत सारी यादें लेकर जाते हैं। दोस्तों यूरोप के मध्य में स्थित इस भूमि से घिरे देश का दौरा करना अपने आप में बेहतरीन एक्सपीरियंस है। दोस्तों देश का मूल आदर्श वाक्य लक्जमबर्ग है जो कहता है मीर विले विलवे वॉट मीर बिजन। जब आप इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि लोग यहाँ पर स्वतंत्र रहना चाहते हैं क्योंकि समय के साथ कई लोगों ने इस देश पर हावी होने की कोशिश की जो कि सफल नहीं हो पाए। दोस्तों ये एक लैंडलॉक देश है। लक्जमबर्ग चारों ओर से भूमि से घिरा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ खास देश हैं जिसके साथ ये अपने बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए यहाँ पर आपको सी बीचेस मिलेंगे। इसकी उम्मीद करके इस देश में मत आइएगा क्योंकि यहाँ पर किसी भी ओर समुद्र नहीं है और जब समुद्र नहीं है तो बीचेस कहाँ से होंगे। हालांकि पड़ोसी देश बहुत ही खास है और वहाँ के समुद्र तटों या समुद्र का आनंद आप ले सकते हैं। लक्जमबर्ग के बारे में सबसे आम तथ्यों में से एक ये है कि यहाँ सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से फ्री है, यानी कि आप यहाँ पर इजीली और फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा ले सकते हैं। ये कदम उठाने वाला ये दुनिया भर में पहला देश है जिसने अपने सिटीजन्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री कर दिया है, जिसका फायदा यहाँ पर्यटकों को भी मिलता है। दोस्तों हालांकि यदि आप बॉर्डर पार करके फ्रांस, जर्मनी या बेल्जियम की ओर जाना चाहते हैं तो आपको अभी भी फी देनी पड़ेगी, यानी कि आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस लगेगा। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट क्लास में यात्रा करना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पर चार्ज देना होगा, यानी कि लक्जमबर्ग अपने देश के अंदर आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन देता है। दोस्तों भले ही ये देश छोटा हो लेकिन फिर भी इसे दुनिया भर के सबसे अमीर देशों में से एक माना जाता है। पर कैपिटल इनकम यहाँ पर बहुत ज्यादा है। लोग अच्छे से कमाते हैं, अच्छे से खर्च करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को इनहांस करते हैं। दोस्तों अगर आप घूमने के शौकीन हैं और एक सेफेस्ट कंट्री जाना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। आपको पता है दोस्तों पूरे देश लक्जमबर्ग में केवल 2 जेल हैं और 1000 से अधिक पुलिसकर्मी जिनके पास कोई भी काम नहीं है क्योंकि करप्शन ही नहीं है, क्योंकि क्राइम ही नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर पूरी तरह से सेफ हैं। दोस्तों आपको पता है लक्जमबर्ग में लगभग 170 राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर बाहर के लोग आपको ज्यादा मिल जाएंगे। हालांकि इस देश में रहने वाले सिर्फ 16% ही लोग ऐसे हैं जो इस देश के हैं, अदरवाइज बाहर से आकर यहाँ बसने वालों की संख्या थोड़ा ज्यादा है। आपको बता दें दोस्तों कि लक्जमबर्ग के 33% से अधिक क्षेत्र में फॉरेस्ट नजर आते हैं, यानी ये काफी हरा भरा देश है और 33% हिस्सा जंगलों से ढका है। इससे हवा भी साफ होती है और आप जितना चाहें बाहर आनंद ले सकते हैं
और कुछ एडवेंचरस कर सकते हैं। उन लोगों के लिए लग्जमबर्ग बहुत खास है जो प्रकृति से प्यार करते हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग के बारे में दिलचस्प तथ्य तो ये है कि देश में केवल 2 यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें सेकेंड हार्ट यूनिवर्सिटी लग्जमबर्ग और लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी शामिल है। दोस्तों, लग्जमबर्ग अपने पुराने महलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको 130 महल मिलेंगे। यदि कोई चीज आपको लग्जमबर्ग में प्रचुर मात्रा में मिलेगी तो वो है विशाल महल। देश में 100 से अधिक महल हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। जनता इनमें से अधिकांश महलों का दौरा कर सकती है क्योंकि वे बहुत अच्छे आकार के हैं और उनमें से कुछ पर्सनल भी हैं। इसलिए जब भी आप इस देश को एक्सप्लोर करें तो इन महलों को मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, देश में कई होमोसेक्सुअल क्लब्स और बार भी हैं। लग्जमबर्ग के बारे में सबसे मजेदार तो चीज यही है कि यहाँ पर बहुत सारे होमोसेक्सुअल्स बार्स और क्लब्स हैं जहाँ आप जा सकते हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसके नाम दुनिया भर में सबसे लंबी वाइन लिस्ट बनाने का विश्व रिकॉर्ड है। जी हाँ, वाइन के शौकीनों को लग्जमबर्ग जरूर आना चाहिए और यहाँ की स्वादिष्ट वाइन को जरूर टेस्ट करना चाहिए। यदि आप सर्वोत्तम वाइन का आनंद लेना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है क्योंकि आपको मजेदार वाइन्स जो मिलेंगी यहाँ पर। साथ ही यहाँ का खाना, यहाँ के खाने में आपको वैरायटी मिलेगी क्योंकि जर्मन और फ्रेंच का एक मिक्सचर मिलेगा और वो फूड में भी नजर आएगा। दोस्तों, लग्जमबर्ग घूमने के लिए बहुत सारी जगह है जिसमें सबसे पहले आता है लग्जमबर्ग खुद ही। जी हाँ, लग्जमबर्ग सिटी न केवल इसी नाम के देश की राजधानी है। जी हाँ दोस्तों, लग्जमबर्ग में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है ये। यूरोप के सबसे अमीर शहरों में से ये एक है। यूरोपीय संघ की 3 ऑफिशियल कैपिटल्स में से ये एक कहा जाता है। लग्जमबर्ग शहर अपने पर्यटकों को अनगिनत खूबसूरती देता है और बहुत सारे सांस्कृतिक विकल्प भी। यहाँ पर आपको बहुत सारे कैसिनोज मिलेंगे, पब्स मिलेंगे, नाइट लाइफ बेहतरीन है और इतना ही नहीं, आप यहाँ खुलकर घूम सकते हैं। लग्जमबर्ग में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की सूची में एचरनाच सबसे पहले आता है। जी हाँ, क्योंकि ये देश का सबसे पुराना शहर है। समानार्थी कैटन में और गेवेन मार्चेन जिले में ये स्थित है। ये जर्मन राज्य राइनलैंड पोलेचियन की सीमा पर है। दोस्तों, ये है लोरोशे, लग्जमबर्ग में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक। दोस्तों, यहाँ पर आपको लारोचेल कैसल भी मिलेगा जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एक महल है जो आपको इस देश के इतिहास और संस्कृति के बारे में बताएगा। लग्जमबर्ग शहर का सबसे अच्छा दृश्य आपको यहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये है वियांडेन। वियांडेन एक साथ एक शहर और एक ही नाम के कैंटन की राजधानी है जो ग्रैंड डची के उत्तर पूर्व के डाइकिच जिले और ओस्लिंग क्षेत्र में है। लग्जमबर्ग का कैसल छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत। लग्जमबर्ग में सबसे अधिक पर्यटक स्थल यहीं पर आपको मिलेंगे। महल के अलावा वियांडेन में करने के लिए बहुत कुछ है। आप यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं और बहुत सारे म्यूजियम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, ये है ब्यूफोर्ट। ब्यूफोर्ट लग्जमबर्ग में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है क्योंकि ये उन कुछ यूरोपियन शहरों में से एक है जहाँ एक नहीं बल्कि 2 महल हैं। और जबकि ब्यूफोर्ट महल इस सुरम्य गंतव्य का मुख्य अट्रैक्शन है। यहाँ ढूंढने के लिए बहुत कुछ है। आई होप दोस्तों, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन में दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जल्दी से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए एक और नई वीडियो देखने के लिए।